तो भाई आज का अपना टॉपिक है सॉफ्ट पैलेट। और यार सॉफ्ट पैलेट में एक्चुअली में होता क्या है ये अच्छे से क्या इमेजिन नहीं हो पाता। मेनली इसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो अपन का इमेजिनेशन में ही आती है। तो आज के अपन इस पूरे वीडियो में अच्छे से सॉफ्ट पैलेट को समझेंगे और मैं आपको क्या मेरे 3D मॉडल से पूरा सॉफ्ट पैलेट समझाऊंगा। तो आपको हर एक एक चीज़ का 3D में इमेजिन भी हो जाएंगी, इसलिए आप मेरी वीडियो जो है बिल्कुल एंड तक देखना। तो सबसे पहले इस सॉफ्ट पैलेट को समझाने से पहले मैं आपको पहले इस पैलेट का मतलब बताता हूँ कि पैलेट क्या होता है। तो अगर आप मेरा यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखें तो ये है अपना माउथ और अभी अपन देख रहे हैं अपने माउथ का इनर सरफेस अंदर वाला। तो माउथ का ये जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है ना ऊपर वाला पार्ट उसे ही अपन बोलते हैं पैलेट। मतलब पैलेट क्या होता है, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ इनर ऑफ माउथ। इसको अगर अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ 3D में तो मैं क्या इसको सेपरेट कर लेता हूँ आपके लिए तो आपको और अच्छे से क्लियरली दिखेगा। तो मेनली ये है अपना माउथ का पार्ट और इसके जो अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है ना माउथ का ये टॉप वाला पार्ट उसे ही अपन बोलते हैं पैलेट। अब इस पैलेट को जो है अपन इस पूरे पैलेट को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे पैन रख के बताऊँ तो इस पैन के आगे वाला हिस्सा जो अपना पैलेट जो है उसमें मेनली अपनी बोन आ रही है। कौन सी बोन आ रही है, अपनी आ रही है उसमें मैक्सिला बोन। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको ये है अपनी मैक्सिला बोन और ये है अपने माउथ का टॉप वाली सरफेस जिसे अपन बोलते हैं पैलेट। तो इस पैलेट में अब क्या हो रहा है, अपने आधे पार्ट में अपनी मैक्सिला बोन आ रही है तो उसको अपन बोलते हैं हार्ट पैलेट। और इस पैन के पीछे वाले पार्ट में जहाँ पे अपनी बोन नहीं आ रही ना ये वाले इतने पार्ट में अपनी कोई भी बोन नहीं आ रही तो उसे अपन बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो मेनली अपन हार्ड पैलेट को हार्ड क्यों बोलते हैं क्योंकि उसमें अपनी प्रेजेंट होती है बोन। और ये जो इसी हार्ड पैलेट के पीछे से ये जो सॉफ्ट पैलेट एक्सटेंड कर रहा है ना वो अपना मेनली रहता है मस्कुलर फोल्ड, इसलिए अपन इसे बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो आपको अच्छे से इमेजिन हो गया होगा आप कि ये सॉफ्ट पैलेट क्या होता है। तो ये जो सॉफ्ट पैलेट जो है वो अपना मूवेबल, मतलब वो मूव कर सकता है, हार्ड पैलेट अपना मूव नहीं कर सकता। तो ये जो सॉफ्ट पैलेट जो है वो अपना एक मूवेबल मस्कुलर फोल्ड होता है जो कि अपने इसी हार्ड पैलेट से सस्पेंड होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर साइड में भी देखें तो आपको दिखेगा ये अपना क्या है, पूरे माउथ का अपन ऐसे ही क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। ये अपनी है मैक्सिला बोन जो अपना बना रहा है हार्ड पैलेट। देन इसी हार्ड पैलेट से ये आपको दिख रहा होगा एक मस्कुलर फोल्ड एक्सटेंड कर रहा है उसे ही अपन बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। अब ये जो सॉफ्ट पैलेट जो है इसकी होती हैं कुल मिला के अपनी दो सर्फेसेस। ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पे भी दिखाऊँ 3D में तो आपको क्लियरली दिखेगा ये अपना पहले है सॉफ्ट पैलेट और इस सॉफ्ट पैलेट की एक होती है इंटीरियर सरफेस जिसकी आगे वाली सरफेस है ना ये वाली उसे अपन बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट की इंटीरियर सरफेस। और इसका ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है सॉफ्ट पैलेट का वो है अपने सॉफ्ट पैलेट की पोस्टीरियर सरफेस। अब इसकी जो इंटीरियर सरफेस जो है ये आप खुद देख पा रहे हो, क्लियरली दिख रहा है ये कैसी है, ये अपने कौन केव स्ट्रक्चर में दिख रहा है ना आपको। वहीं अगर अपन इसकी पोस्टीरियर वाली सरफेस देखें तो वो अपनी है कौन वैक्स से वो अपने स्ट्रक्चर में। ठीक है, और वो कहाँ पे है, जो अपनी नेजल कैविटी होती है ना इसके ऊपर अपना प्रेजेंट है मिली नोज, तो अपनी नेजल कैविटी का फ्लोर बना रही है इसकी ये पोस्टीरियर सरफेस। तो आपको मैंने क्या इसकी दोनों सरफेसेस बता दी। देन सरफेस के बाद अब अपन इसका देखते हैं मेनली बॉर्डर्स कि इसकी क्या क्या बॉर्डर्स हैं। तो इसकी जो है यार दो बॉर्डर होती हैं, मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं यहाँ पे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक इसकी है सुपीरियर बॉर्डर जो कि ऊपर की तरफ है। इस मॉडल में भी अगर मैं दिखाऊं 2D में तो ये जो है ना छोटा सा वो है सुपीरियर बॉर्डर। अब आपको सिर्फ याद करने वाली चीज़ ये है कि सुपीरियर बॉर्डर जो है अपनी हार्ड पैलेट से अटैच होती है। तो बस आप ये याद कर लेना कि इसकी सुपीरियर बॉर्डर जो है वो अपनी हार्ड पैलेट से अटैच है। वहीं अगर अपन इसकी
इन्फीरियर बॉर्डर देखें, ये नीचे वाली बॉर्डर, ये जो दिख रही है ना आपको, इसकी इन्फीरियर बॉर्डर, इसकी इन्फीरियर बॉर्डर जो है किसी भी स्ट्रक्चर से अटैच नहीं है, ये आप देख पा रहे हो ना, सॉफ्ट पैलेट की इन्फीरियर बॉर्डर किसी भी स्ट्रक्चर से अटैच नहीं होती, वो होती है फ्री। और उसी के इन्फीरियर बॉर्डर का एक होता है कोनिकल प्रोजेक्शन, उसे अपन बोलते हैं ओव्यूला। अगर मैं आपको इसमें भी दिखाऊं डायग्राम में, अपन कभी भी माउथ खोलते ना मिरर के सामने, तो आपको एक हल्का सा एक मस्कुलर प्रोजेक्शन दिखता है, ये इसे ही अपन बोलते हैं ओव्यूला। और ये जो ओव्यूला जो है, ये एक्चुअली में अपना जो सॉफ्ट पैलेट है ना, उसी के कोनिकल प्रोजेक्शन से बनता है, ये है अपना एक ओव्यूला, ठीक है। देन अब मैं आपको अगर और डिटेल में, अगर एनाटॉमी में जाएं ओव्यूला की, तो ये जो ओव्यूला जो है, ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, उसी के बेस से आपको यहाँ पे दो लाइन दिख रही होंगी जाते हुए, मेनली ये आर्च जैसी हैं। तो एक जो है इसका इंटीरियर में ऐसा आर्च है, और एक इसका यहाँ पोस्टीरियर में आर्च है, ये आपको दिख रहा है ना। तो इसका ये जो इंटीरियर वाला आर्च रहता है, उसे अपन बोलते हैं पलेटो ग्लोसल आर्च, और इसका जो पोस्टीरियर आर्च है ना ये वाला, उसे अपन बोलते हैं पलेटो फेरेंजियल आर्च। अब तुम क्या यार, चीजों को रटो मत, तुम रटोगे ना तो भूल जाओगे, इसलिए मैं क्या तुम्हें समझाता हूँ एक्चुअली में इस वर्ड का मीनिंग क्या है। अब यहाँ पे लिखा है पलेटो ग्लॉसस, अब पलेटो से तुम समझ गए कि ये सॉफ्ट पैलेट का है। देन ग्लॉसस का मतलब होता है टंग, एनीथिंग रिलेटेड टू टंग इज ग्लॉसस। तो यहाँ पे जो पलेटो ग्लॉसस जो है, वो अपने सॉफ्ट पैलेट से लेकर टंग तक एक्सटेंड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे अपना प्रेजेंट होता है टंग, मान लो पैन मेरा टंग है, तो इसका जो इंटीरियर फोल्ड जो है ये वाला, वो अपना है पलेटो ग्लॉसल आर्च, अपने सॉफ्ट पैलेट से टंग तक एक्सटेंड कर रहा है। देन दूसरे वाला भी आप समझ गए होंगे, वो है पलेटो फेरेंजियल आर्च, ये अपना सॉफ्ट पैलेट से फेरेंस तक जा रहा है। तो बिल्कुल क्या, चीज़ों को अगर तुम ज़्यादा समझ के पढ़ोगे ना रटने के बजाय, तो तुम्हें लॉन्ग टाइम तक याद होगा। और मेरी वीडियो देखने का फायदे भी यही होते हैं, मैं हर चीज़ को आपको डिटेल में बताता हूँ आपको। देन ये अपन ने इसकी देख ली दोनों बॉर्डर्स, देन इन बॉर्डर्स के बाद अब अपन आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो मेनली ये जो सॉफ्ट पैलेट जो है, वो अपना म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है, वो याद कर लेना आप अच्छे से, कि अपना सॉफ्ट पैलेट जो है वो एक्चुअली में एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड है। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इस सॉफ्ट पैलेट के अंदर अपना प्रेजेंट होता है पैलेटाइन एपिनोरोसिस। अभी आप डायरेक्ट याद कर लो, सिर्फ तीन स्ट्रक्चर ही अपने सॉफ्ट पैलेट में प्रेजेंट रहते हैं। एक अपना होता है पैलेटाइन एपियोन्यूरोसिस, देन इसके अंदर अपन को न्यूमेरस म्यूकस ग्लैंड, यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड आपको मिलेंगे। म्यूकस ग्लैंड के अलावा यहाँ पे कुल मिला के होती हैं अपनी 5 मसल। और यार आप मसल की टेंशन मत लो, मैं सारी मसल 3D में बता दूंगा ना, तो तुम्हें इमेजिन हो जाएंगी। तो कुल मिला के इसमें प्रेजेंट होती है फिर अपनी 5 मसल्स। अब अपन सबसे पहले लेते हैं इस पैलेटाइन एपियोन्यूरोसिस को, तो उसके दिखाने के लिए मैं आपको क्या दूसरा मॉडल दिखाता हूँ अपना मसल वाला। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा जूम करा, ठीक है। देन यहाँ पे इनने क्या करा है, जो अपनी मैग्जिला है ना, मैग्जिला को इनने हटा दिया, हाइड कर दिया, ताकि आप इसके सारे अंदर के स्ट्रक्चर देख पाओ। तो अब आप यहाँ पे देखो, इधर इधर अपना कुछ प्रेजेंट होता है सॉफ्ट पैलेट। मैं पेन से अगर डिनोट करूँ तो आपको इमेजिन करना है ये अपना है सॉफ्ट पैलेट, और इसी सॉफ्ट पैलेट पे एक होती है एपियोनोरोसिस, उसे अपन बोलते हैं पैलेटाइन एपियोनोरोसिस। अब ये जो पैलेटाइन एपियोनोरोसिस जो है, वो एक्चुअली में अपनी फ्लैटेन टेंडन होती है टेंजर विलाई पैलेटाइन मसल की। अब एक्चुअली में यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट है, उसे अपन बोलते हैं टेंजर विलाई पैलेटिनी मसल, ये आपको दिख पा रहा है ना 3D मॉडल में, ये मैंने आपके लिए क्या पूरी सेपरेट कर ली। ये जो मसल है, इसे अपन बोलते हैं टेंजर विलाई पैलेटिनी मसल। और इसी मसल की ये जो टेंडन है ना,
ये तुम्हारी आगे जाके क्या हुई, अपनी एक्सटेंड हो गई, तो इसे ही अपन बोलने लगते हैं पैलेटाइन एपियोनोरोसिस। तो आप याद कर लेना कि पैलेटाइन एपियोनोरोसिस क्या है, वो अपनी फ्लैटेंड टेंडन जो होती है टेंजर विलाई पैलेटिनी की, उसी को अपन बोलने लगते हैं यहाँ पे पैलेटाइन एपो न्यूरोसिस। और ये जो पैलेटाइन एपो न्यूरोसिस जो है वो अपने मीडियन में क्या करती है, वो एपिन्यूरोसिस अपनी हो जाती है स्प्लिट, मतलब बीच में वो अपनी दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, और जो अपना मस्कुलर ओव्यूला है ना उसको पूरा एनक्लोज कर लेती है। और यार इसकी मैं एपिन्यूरोसिस के बारे में बताऊं, इस मॉडल में तो उनने पूरी लार्ज नहीं बनाई है, लेकिन एक्चुअली में पैलेटाइन एपिन्यूरोसिस जो है वो अपने पूरे सॉफ्ट पैलेट को कवर कर लेती है। ये आपकी लार्ज फ्लैटेंड टेंडन होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया पहले पैलेटाइन एपियोनोरोसिस, वो है अपनी टेंजर विलाई पैलेटिनी की ही मसल। उसके अलावा ये जो पैलेटाइन एपियोनोरोसिस है उसकी दो सरफेस होंगी, एक इसकी सुपीरियर में उसकी सुपीरियर सरफेस, और एक उसके नीचे इसकी इन्फीरियर सरफेस। और इनकी इन्फीरियर सुपीरियर सरफेस पे कुछ मसल अटैच होती हैं, वो आपको डायरेक्ट नाम ही याद करने पड़ेंगे। उसके अलावा मैंने आपको बताया था अपने सॉफ्ट पैलेट में कुछ होती है अपने म्यूकस ग्लैंड, तो इसमें कुछ प्रेजेंट है अपने म्यूकस ग्लैंड। देन म्यूकस ग्लैंड के बाद अब आ गया यार इसका मेन पार्ट, इसका मसल वाला पार्ट, ठीक है। तो इसके अंदर कुल मिला के पांच मसल प्रेजेंट है। सबसे वाली वही एक टेंजर विलाई पैलेटिनी मसल, देन लेवेटर पैलेटी मसल। अब मैं आपको यार एक चीज बताऊं एक्चुअली में होता क्या है, मान लो कि यह है अपना सॉफ्ट पैलेट, तो क्या होता है इस सॉफ्ट पैलेट के ऊपर से दो मसल अटैच होती हैं, वो दो मसल है टेंजर पैलेटी मसल और लेवेटर पैलेटी मसल, ठीक है। और इस पैलेट के नीचे भी दो मसल अटैच हैं, एक मसल सॉफ्ट पैलेट से टंग तक है वो है पैलेटोग्लॉसस मसल, दूसरी मसल जो है वो सॉफ्ट पैलेट से फेरिंग्स तक है वो है पैलेटो फेरेंजियल मसल, ये ठीक है। तो तुम क्या अगर इस तरीके से रिलेशन बना के पढ़ोगे ना तुम्हें ज्यादा याद रहेगा कि अपने सॉफ्ट पैलेट के ऊपर दो मसल है और इसके नीचे दो मसल है। और इसी सॉफ्ट पैलेट से अपना एक आता था कॉनिकल प्रोजेक्शन, इसी सॉफ्ट पैलेट से एक अपना आता था कॉनिकल प्रोजेक्शन, वो है अपना मस्कुलर ओव्यूली, ठीक है। अब मैं आपको 3D में अगर दिखाऊं तो ये अपनी थी टेंजर विलाई पैलेटिनी मसल, ये मैंने आपको बिल्कुल दिखा दिया था। और यार आप मेरे 3D अच्छे से देख लो सारे मॉडल, क्योंकि ये क्या है आपको मिलेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ किसी दूसरी के अगर आप वीडियो देखोगे इस तरीके से इसके 3D मॉडल में इसकी मसल नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी मसल है यार, इसलिए आपको क्या अच्छे से आप इमेजिन कर लो। देन ये जो दूसरी मसल जो मैंने आपके लिए हाईलाइट करी है ये है अपनी लेवेटर पैलेटाइन मसल, ये आप देखो ये भी ऊपर से आ रही है ना, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, ये है अपना सॉफ्ट पैलेट और उसमें ही ये लगी हुई रहती हैं। देन अब मैं आपको इसके नीचे के ये देखो आप, ये जो है ये है अपना मस्कुलर ओव्यूली, दिख रही है ना जो अपना, मैं और जूम करता हूँ, ये देखो ये अब आपको और अच्छे से इमेजिन हो पा रहा होगा, ये है अपना वही मस्कुलर ओव्यूला जो कि आपको दिखता है। देन उसी के नीचे मस्कुलर ओव्यूला के जस्ट नीचे अपनी ये वाली है पलेटोग्लॉसल मसल, ये जो दिख रही है ना छोटी सी, ये है पलेटोग्लॉसल मसल। यहाँ पे मान लो ये टंग है तो ये टंग तो कुछ इस तरीके से अटैच हो गई, और उसी के साइड में ये अपनी है पलेटो फेरिंग्स मसल। तो आपको सिर्फ क्या पांचों के पांचों मसल के डायरेक्ट नाम याद होने चाहिए, और अपन ने इसको 3D में देखा ना तो आपको और अच्छे से इमेजिन हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं अपने सॉफ्ट पैलेट की ब्लड सप्लाई पे, तो मेनली अपने सॉफ्ट पैलेट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है अपना ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी और अपनी असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच जो कि अपनी ब्रांच है फेशियल आर्टरी की। अब यार ये जो है ये अपन पहले ही मैक्सिलरी आर्टरी
और फेशियल आर्टरी में अपन क्या सारी ब्रांचेस देख ली थी अपन ने पहले ही। तो यार यही तो फायदा मिलता है अगर तुम चीजों को क्या सीक्वेंस में पढ़ते हो ना, तो अपन को यही फायदा मिलता है कि अपने आगे के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। इसलिए अगर तुम मेरी वीडियो देखते हो तो सीक्वेंस में ही देखा करो, मैं सारी वीडियो सीक्वेंस में डालता हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, मैं अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, हेड एंड नेक सबकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, एंड मैं सीक्वेंस में चीज़ें डालता हूँ ताकि आप पहले क्या फेशियल आर्टरी देख लो, मैक्सिलरी आर्टरी देख लो, फिर उसकी क्या ब्रांचेस बाद में अपन को यूज़ होती हैं। ये जैसे कि आज अपन को क्या यूज़ हुआ कि सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई करती है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, जो कि ब्रांच है अपने मैक्सिलरी आर्टरी की। तो जब अपन इस तरीके से पढ़ते हैं ना, तो चीज़ें अपन को ज़्यादा रिलेटेड होती हैं और याद रहती हैं। तो आप चीज़ों को क्या सीक्वेंस में देखने की कोशिश करो मेरी वीडियो को। उसके अलावा इसका वेन देखें तो टॉन्जिलर प्लेक्सिस होता है यहाँ पे एक वेन का, वही सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अपने सॉफ्ट पैलेट का वो कैरी कर लेता है। अब अपना आता है सॉफ्ट पैलेट की नर्व सप्लाई, और यार ये जो सॉफ्ट पैलेट का नर्व सप्लाई है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और इसको मैं क्या तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, मैं तुम्हें जल्दी नहीं बताना चाहता इसको। तो इसकी डिटेल वीडियो जो है मैं तुम्हें इसका लिंक आई बटन पे दे दूंगा। यही सॉफ्ट पैलेट की पार्ट टू वीडियो होगी, वो इस वीडियो की लेंथ ना बढ़े इसलिए मैं आपको उस पार्ट टू वीडियो में दिखाऊंगा। तो जल्दी से जाओ इसकी पार्ट टू वीडियो भी तुम देख लो, लिंक आई बटन पे है, और सॉफ्ट पैलेट का पूरा टॉपिक आज खत्म कर दो। देन इसी के पार्ट टू वीडियो में ये जो मेरे नोट्स है ना सॉफ्ट पैलेट के, ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा ये वाले, और ये भी बताऊंगा कि इसे यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। इसलिए इसके पार्ट टू वीडियो तो बिल्कुल मिस ही मत करना, वो यहाँ पे कोने में आई बटन पे है, इसके लिंक जाओ और पहले वो देख लो।